अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला था? गैर कानूनी तरीके से हमारे एक अधिवक्ता सदस्य को जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी को लेकर आज एडवोकेट एसोसिएशन की आपातकाल बैठक हुई, जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग तब तक सभी कोर्ट का कार्य बहिष्कार रखेंगे जब तक कि राजीव कुमार को हम लोगों के सामने सशरीर हाजिर नहीं किया जाता है। तब तक ये विरोध जारी रहेगा और हम लोग किसी भी न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। ये आज से अभी से जारी रहेगा। सभी अधिवक्ता इसमें सम्मिलित हैं। हमारे झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन के लगभग 4000 सदस्य इसमें हम लोग हैं। 4000 सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।